हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकम। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे। जो कल मैंने आपको बैंक निफ्टी के नेवल्स दिए थे उनके साथ में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो गाइस, बैंक निफ्टी देखिए सुबह के टाइम पे थोड़ी सी गिर रही थी। यहाँ पर मैंने एक पी का कॉल भी दिया था बैंक निफ्टी में आपको, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। और साथ में गाइस, ये मेरे एक स्ट्रैटेजी पे हो गया था। तो ये भी रैली जो है हम लोगों ने स्टूडेंट्स ग्रुप में ली थी, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें भी पोस्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो लोग फ्रेशर्स हैं वो लोग इसके बीच में ट्रेड ना करें, क्योंकि इसके बीच में मार्केट जो है साइडवेज भी हो सकता है। और गाइज, कई सारे लोगों से एक प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि सर इसमें एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें। तो गाइज, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई नंबर्स नहीं है, ये लेवल्स है। और आपको लेवल्स टू लेवल्स कैंडल स्टिक के पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना होता है। बस नंबर टू नंबर स्टॉक मार्केट में इतना भी आसान नहीं होता है कि नंबर टू नंबर इसमें ट्रेडिंग हो जाए। इसमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना पॉसिबल होता है। तो कुछ लेवल्स जो हैं वो आपको भी ड्रॉ करने सीखने हैं, जैसे कि कुछ स्लोपिंग लाइंस होते हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें आपको भी थोड़ी बहुत सीखने गए, आपको भी थोड़ा बहुत जो है उसमें मेहनत करना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, अगले जब चार्ट्स पे हम लोग जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हो पाई और इसने रिवर्सल ले लिया। तो डेफिनेटली इसका प्रूफ भी है टेलीग्राम ग्रुप में भी, कि जो मैंने डाला था कि गाइस सी क्यों अभी बढ़ रही है बैंक निफ्टी की अचानक से। उसके बाद में गाइज देखिए, ये इसी लेवल्स पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते रहा पूरे दिन भर। आज सुबह के बाद में बैंक निफ्टी जो थी वो बुलिश रही थी। उसके बाद में गाइज, जो मैंने अगला कॉल दिया था आपको, आई मीन लेवल्स दिए थे वो थे निफ्टी के। निफ्टी ने देखिए गाइज, ये लेवल से रिवर्सल लिया था 15,420 के ऊपर से। 15,440 की से हम लोग सेल कर सकते थे, ये था फर्स्ट टारगेट। जैसे कि बैंक निफ्टी पे मैंने कॉल दिया तो जाहिर सी बात है निफ्टी पे भी आपको पी साइड में एक बेगिने में एंट्री मिली थी। उसके बाद में गाइज देखिए, निफ्टी जो है वो लेवल टू लेवल रेजिस्टेंस लेते हुए और रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाते हुए यहाँ से निकल गई थी। तो इसमें भी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे आज हुई थी। मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग था बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों साइड में। बाद में गाइज, जो कमिंस इंडिया का जो मैंने आपको कॉल दिया था, तो कमिंस इंडिया मैंने आपको कहा था कि 793 के ऊपर आप लोगों को इसे बाय करना है, और 799 का मैंने आपको टारगेट दिया था। साथ में गाइज, मैंने जो आपको टारगेट जो भी देता हूँ तो आपको अपना भी थोड़ा बहुत लॉजिक जो है वो लगाना है, क्योंकि आप नंबर्स पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर गैम्बलिंग कर रहे हो। मैंने आपको एक लेवल दिया है, इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग बेसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करना है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 799 के ऊपर 806 तक ये मैंने आपको लेवल दिया था, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को भी जो है अपने लाइंस पे ड्रॉ करनी सीखनी चाहिए गाइस। पूरी तरह से आप लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। अगर किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर कोई स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग है तो डेफिनेटली वो चला जाता है, लेकिन इसके जैसा अगर कोई दिन रहेगा चौपी दिन, तो आपको सिर्फ एक टारगेट पे ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आप यहाँ तक की रैली नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बाकी का जो है वो नॉलेज नहीं। आप सिर्फ ये नंबर्स देख रहे हो, ये नंबर टू नंबर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपको ये कैंडल पता नहीं है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये कौन सी कैंडल बनी है और ये कब एक्टिवेट होती है, इस पर कैसे ट्रेड किया जाता है, ये अगर आप लोगों को पता नहीं है डेफिनेटली, तो इस ट्रेड में भी गाइज आपको 799 या फिर 780 से ज़्यादा तो नहीं मिला होगा इसमें आपको डेफिनेटली। इसीलिए आपको जो भी लेवल्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो होने चाहिए। साथ में गाइज देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये क्लोजिंग ही नहीं हुआ था, इसके नीचे कोई पैटर्न भी नहीं बना था गाइज। इसने सीधा सीधा जो डाउन ट्रेंड था इसको एनगल्फ करके ऊपर जा रही है। तो इस पॉइंट पे भी आपको सेल लेने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी सीखनी होगी गाइज। आप सीधा नंबर टू नंबर ये करोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए भी लेवल्स निकालना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई स्टॉक ऐसा नहीं होता है, मैं भी भगवान नहीं हूँ कि ये आपको ऐसा दिया ये टारगेट टू टारगेट ऐसा ही जाएगा। कुछ इसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, कभी SL भी हिट होगा, इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कि जैसे कि टारगेट वन गया फिर वहाँ से रिटर्न आ गया, टारगेट टू गया वहाँ से रिटर्न आ गया, हो सकता है टारगेट वन से जाने से पहले भी रिटर्न आ जाए, हो सकता है कभी एक्टिवेट ना हो सकता है कभी आपको दिखाए कि मैं एक्टिवेट हो रहा हूँ लेकिन वो एक्टिवेट ना हो। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का सेटअप ही नहीं है, यहाँ पे भी आप लोगों को सेल का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा समझ में लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये लेवल दे रहा हूँ और आप सीधा इसको टारगेट ऑर्डर लगा करके रख रहे हैं या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसको आप सेल के लिए लगा रहे हो, तो फिर इससे कोई मतलब नहीं गाइस। आप लोगों को थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो समझ के लेना होगा। मैं डीप एनालिसिस करके तो वैसे भी दे रहा हूँ आप लोगों को। अब ये कैंडल पे अगर आप लोग
एंट्री ले लोगे और रिटर्न जाकर के यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस ले लेगा गाइस, तो ये लेना ही है क्योंकि इसने एक्टिवेशन दिया नहीं था। कुछ टाइम ऐसा सीधा चार कैंडल जो है वो हिट करता है, अब इसमें कहाँ पे एंट्री लोगे आप लोग बताओ मुझे। तो आप लोगों को खुद से कुछ सीखना है, ये मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, ये लेवल टू लेवल जाना ही है, इसको लेवल टू लेवल जाएगा ही है। लेकिन जब ये लेवल टू लेवल जा रहा है तब आप लोग अपने भी खुद के कुछ लॉजिक्स लगाओ इसमें कि ये जब भी लेवल टू लेवल जा रहा है तो आपको ट्रेल कहाँ करना है, कैसा करना है, बीच में क्या कैंडल स्टिक बन रहा है, जब भी आपकी एंट्री हो रही है एग्जिट हो रही है तो क्या यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट वैलिड है, क्या यहाँ पे आपको वॉल्यूम जो है वॉल्यूम आ रहा है, अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है फिर भी आप एक्टिवेट हो रहे हो तो फिर सारी चीज़ें जो होती है गाइस 10 मिनट के वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है। और 10 मिनट के ऊपर अगर वीडियो चली जाती है तो लोग देखना पसंद नहीं करते उसके। तो कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के लीजिए, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे ट्रेड कीजिए। ये जो दे रहा हूँ ये नंबर्स नहीं है खाली, ये आप लोगों के लिए लेवल्स है। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए, और लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे होती है वो सीख जाइए पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई यहाँ पे वाई साइड में एंट्री बनी थी आज के दिन में? नहीं बनी थी डेफिनेटली, यहाँ पे जो है कोई एंट्री नहीं बनी थी गाइस, क्योंकि इसने एक्टिवेशन दिया ही नहीं यहाँ पे। अब ये जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अब देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल कैंडल, यहाँ पे भी क्या कोई एंट्री बनी थी? नहीं बनी थी गाइस। तो आज के दिन में इस कॉल में ये जो इसमें जो लंबे चौड़े दोनों साइड में शेडोज आ रहे हैं इस पे मेरे लिए तो कोई एंट्री नहीं बनी थी। अभी अगर आप लोग इस पे देखोगे एक नॉर्मल ट्रेडर की हैसियत से, तो ये शुरू शुरू में देखो वैसे तो मैंने लेवल दिए वो तो लेवल तो कंप्लीट कर गया, वो ये मेरे लेवल्स जो थे वो तो उसने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सिर्फ पिन है, ये पिन में एक्टिवेशन नहीं दे रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है गाइस। मैं लाइव मार्केट में इनका एनालिसिस फिर से करके आपको नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक दिन एडवांस में कर रहा हूँ आपके लिए। तो जब भी लाइव मार्केट में आप लोग इसे ट्रेड करोगे तो आप लोगों को इन पे ध्यान रखना है। अब जैसे कि देखिए गाइस इसमें HCL टेक में एक स्लो मोशन में डाउनफॉल आ रहा था, जिसमें आपको दोनों के दोनों टारगेट जो है वो अच्छे खासे मिल गए। रहे बाकी के दो कॉल, वो मेरी हिसाब से तो एक्टिवेट नहीं हो गया गाइस, किसी भी साइड में वो मेरे हिसाब से एक्टिवेशन नहीं दिया है उन्होंने। और जो एक्टिवेशन दिया है उनमें क्लोजिंग नहीं था या फिर कोई परफेक्शन भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक कैसे चल रहा है ऐसे। अब ये जो कमिंस इंडिया और बालकृष्ण इंडस्ट्री ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो कभी कभार आते हैं, मतलब अभी देख रहे हैं आप लोग ये है एपिसोड नंबर 46, और 46 एपिसोड में ये आ गए, 45 में ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग थे या तो नीचे या तो ऊपर। आज के दिन में ये दोनों में आ गए, तो आपको ऐसे दिन भी ढूंढने पड़ेंगे गाइस। सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे आपके लिए ट्रेडिंग के लिए, या फिर मेरे लिए भी नहीं रहेंगे मेरे एनालिसिस के। सारे दिन 70-80% भी एक्यूरेसी होती है तो भी मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ी जाती है वो। तो मैं यहाँ पे जो कॉल्स दे रहा हूँ वो तो उससे भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो नहीं लिया है आपका आज के दिन में भी, क्योंकि इसमें एंट्री कोई एक्टिवेट नहीं हो गई थी। और इससे पहले भी 45 एपिसोड्स तक हमारा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। आपको लॉजिकली ट्रेड करना है इस पर, लॉजिकली साइकोलॉजी भी यूज़ करनी है जब भी ये एक्टिवेट हो रहा है। ये मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ एक दिन पहले, अब दूसरे दिन में आपको मार्केट साइकोलॉजी क्या है वो भी देखनी है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक जा रहा है कि नहीं वो भी देखना है। अगर इंडेक्स आपका निफ्टी 50 ऊपर जा रही है और अगर आपका अदानी पोर्ट सेल साइड में एक्टिवेट हो रहा है तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है गाइस, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, उसमें कैसे ट्रेड करोगे आप लोग। तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको भी अप्लाई करनी होगी लाइव मार्केट आर्ट्स में, उनमें चेंजेस होंगे जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, कुछ ट्रेंड लाइंस आपको भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, कुछ स्लोपिंग लाइंस भी आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में आपको इंडेक्स को भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे लेवल्स पे एक्टिवेट हो रहा है लेकिन आपका इंडेक्स के अगेंस्ट एक्टिवेट हो रहा है, तो लॉजिकली वो हो सकता है टारगेट दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो साथ में आपको बाकी का मार्केट का जो हालचाल है वो भी देखना पड़ेगा गाइस। अभी फिर बाद में आप लोग अगर ब्लेम करोगे सर ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था और एक्टिवेशन के बाद में इसने स्टॉप लॉस ले लिया, तो इसमें मैं तो लेवल्स दे रहा हूँ गाइज आप लोगों को कि ये लेवल से शुरू हुए ये लेवल तक, तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना भी लगाना है, थोड़ी सी साइकोलॉजी अपनी भी लगानी है कि वहाँ पे अगर वो एक्टिवेट हो भी रहा है तो क्या वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो ट्रेड इट, अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो एक रिस्की ट्रेड है आपके लिए। क्लोजिंग बेसिस पे हो रहा है तो फिर रिस्की ट्रेड बोल के आप लोग उसे ट्रेड कर सकते हो। अब रिस्की ट्रेड क्या होता है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि या तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है, रिस्क की पॉसिबिलिटीज की वजह से लॉस की पॉसिबिलिटीज भी बनती है। तो गाइज इसके लिए उस पर भी ध्यान दीजिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी ध्यान दीजिए हमेशा।
तो 772 के ऊपर आप लोग अदानी पोर्ट्स को बाई कर सकते हो, 774, 777 और 780 ये इसके अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे, यानी कि अपसाइड लेवल्स रहेंगे। अगर इसमें बाई साइड में एंट्री नहीं आती है तो सेल साइड में आप लोग इसे सेल कर पाओगे 761 के नीचे। 771 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, 758, 754 और 751 इसके डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे। अगेन स्टॉप लॉस और जो टारगेट्स है या फिर एक्टिवेशन है, ये सारा कैंडलस्टिक के क्लोजिंग बेसिस पे होता है गाइस, तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको हमेशा से ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस ACC रहेगा मेरा सेकेंड कॉल। ACC में आप लोग बाई कर सकते हो 1990 के ऊपर, 1978 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 1995, 2000, 2006 इसके अपसाइड में टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रख लीजिए ताकि अगर ये थर्ड टारगेट के अबव जा रहा है तो आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट जो बुक कर सको। सारे स्टॉक्स में आपको यही करना है, स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट पे रख देना है आपको, ट्रेलिंग पे रखना है आपको। अगर गाइज ये ACC बाई में नहीं आता तो सेल साइड में हम लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं 1978 के नीचे। 1990 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1973, 1969 और 1965 हम लोगों के डाउन साइड में इसके लिए टारगेट्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। ये सारे लेवल्स अपने चार्ट्स पे आप लोगों को ड्रॉ करके रखने, ताकि लाइव मार्केट आर्ट्स में आप लोगों को जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं उनके ऊपर से आइडिया आ जाए कि मार्केट में अभी क्या होने लगा। साथ में बाई सेल में एक्टिवेट हो रहा है तो इंडेक्स इंडेक्स का परफॉर्मेंस क्या है वो भी देख लीजिए, कि इसकी जो इंडेक्स है वो किस दिशा में जा रहा है और क्या आपका स्टॉक उसी दिशा में जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो ट्रेड इट, अगर नहीं जा रहा है तो भी यू कैन ट्रेड इट, लेकिन उसमें रिस्क है। जैसे कि अभी मैं कुछ ट्रेड्स में अपने खुद के रिस्क लेता हूँ, अगर आप लोग भी रिस्क ले सकते हो तो ट्रेड इट, अगर आप लोग नहीं ले सकते हो, वो ट्रेंड के हिसाब से नहीं जा रहा है तो लीव इट, एकदम सिंपल है। तो गाइस थर्ड कॉल रहेगा वोल्टास का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियोस हैं यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ उनके अपडेट्स जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके, और जो भी मैं एजुकेशनल वीडियोस लाऊंगा टाइम टू टाइम मेरे स्ट्रैटेजीज़ पे, उसके भी अपडेट जो है आप लोगों तक आ सके। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट किया हुआ है, आप लोग वहाँ जा करके मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के और कैश के भी कॉल्स देता रहता हूँ इंट्राडे के लिए, तो उसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है वहाँ। उस सेगमेंट हर सेगमेंट में मेरा जो एक्यूरेसी है वो भी ऑलमोस्ट 99% का है। अगर आप लोगों को सही नहीं लग रहा है तो आप लोग जा करके चेक भी कर सकते हैं, ग्रुप स्क्रोल कर सकते हैं, उसमें सारा हिस्ट्री जो पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी जा करके आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस वोल्टास रहेगा मेरा थर्ड कॉल, 1111 के ऊपर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं। 1102 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 116, 118, 122 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। अगर हमें बाई साइड में एंट्री नहीं आती है तो सेल साइड में हम लोग इसे 102 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। 999, 997 और 994 इसके डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे रखिए, ये सारी चीज़ें अपने चार्ट्स पे भी जो है ड्रॉ करके रख लीजिए, ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। बाद में गए जो बैंक निफ्टी के जो मेरे लेवल्स रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि 35,670 के ऊपर हम लोग इसे बाई कर सकते हैं, 35,750, 35,839, 35,918 और 36,047 इसके अपसाइड में लेवल्स रहेंगे। अगर इन केस ये अपसाइड में मूवमेंट नहीं देता है, नीचे के साइड में आता है, तो 35,430, 35,380, 35,324, 35,268 और 35,180 ये हम लोगों के डाउन साइड में जो है वो लेवल्स रहेंगे। जो लोग फ्रेशर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस जोन में आप लोग ट्रेड ना कीजिए, अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता है तो। प्राइस एक्शन पता है तो डेफिनेटली इसके बीच में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में, तो फिर इस जोन के बीच में ट्रेड ना करें, या तो ऊपर करें या तो नीचे करें। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं पता है तो मैंने उसका भी एक वीडियो पोस्ट करके रखा हुआ है, मनी मैनेजमेंट का भी वीडियो मैंने वहाँ पे पोस्ट करके रखा है, जाकर के वो सारी चीज़ें भी एक बार चेक कर लीजिए अगर आप लोग मार्केट में नए हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्केट में, अगर आप लोगों को सर्वाइव करना है और आप लोगों को अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो।
तो गाइज ये थे मेरे बेस्ट टू बेस्ट 3 कॉल्स। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी दिए हैं। लेवल्स जो दिए हैं मैंने वो दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे। आप लोग इसे स्पॉट पे अप्लाई मत कीजिए, इनको फ्यूचर के चार्ट्स पे लेकर के वहाँ पे अप्लाई करके आप लोग अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़।